साहित्यपी निहाती भाव में ओडिया भाषा जहाँकि शास्त्रीय मान्यता पाई तापाई से बहुत बड़ उद्यम जारी रखी है और जो आम ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई से सब विषय जाना चलत स्वागत करवा आज आम सहित अतिथि भाव अच्छा प्रोफेसर राजकिशोर मिश्रा सर सर नमस्कार नमस्कार भाषा साहित्य सहित सर आप अंगांगी भाव जड़ित ओडिया भाषा जो शास्त्रीय मान्यता पाई से उद्यम किसी कम ना कमिटी थे ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइला सत कौन लाभ होते आम मान सामूहिक उद्यम जो दस्तावेज प्रस्तुत करूँ ताको भारत सरकार ग्रहण कले उत्तर भारत आर्यावर्तर प्रथम भाषा रूपे ओडिया भाषा मान्यता पाइला तत्पूर्व तो दक्षिण भारतीय भाषा चारोटी पाई एवं संस्कृत भाषा पाई तो भाषा मान्यता शास्त्रीय मान्यता पाइबा परे अनेक गुड़े उद्यम सरकार एपर्त जारी रखिंट किंतु मुख्य जिनसपारिना से गोटे केन्द्र स्थापित हवा दरकार से भाषा केन्द्र में विद्वान माने रही अधिक गवेषणा करवा उचित जोटाक एपर्त संभवपर हो पारिना केन्द्र आगामी दिन में संभवपर हो पार हाँ निश्चित भाव हो पारे मतलब लगुच मार्च मस भर जहाँ कि अड़ुआ रही प्रत्येक वर्ष मार्च को अपेक्षा कर प्रत्येक वर्ष मार्च जो आर्थिक वर्ष सकाशे आम अपेक्षा कर भितर तार समाधान प्रथम आर्य भाषा भाव मान ओडिया भाषा साहित्य आसला शास्त्रीय मान्यता पाइला किंतु ओडिसी भाषा जो ओडिसी नृत्य ताकू नहीं मध्य संग्राम चली कि ताकू मध्य शास्त्रीय मान्यता मिलू से ओडिसी नृत्य को नहीं से विषय कौन नहीं ओडिसी नृत्य तो शास्त्रीयता पाई तथा ओडिसी संगीत पाई ओडिसी संगीत तेनाली ओडिसी संगीत वर्तमान प्रयास जारी रही किंतु दुखर कथा जो मैंने ओडिसी मूढ़ कर्णधार से मितर मेल ठीक रही जोटाक कहा जाए ये चाहते ना मुझे कहूँ ठीक से आउ गोटे असुविधा हूँ ओडिसी संगीतर उपयुक्त व्याकरण इन्हें बाहर को देख अच्छे व्याकरण ओडिसी ओडिया लेखक माने संगीतज्ञ माने ग्रंथ रचना करु ता लोकलोचन को आसीपारिना कि आमर गीतकार माने संगीतज्ञ माने ताकु नहीं विश्व दरबार रे बा सर्वभारतीय स्तर रे ठीक भाव उपस्थापित करवश्य केते गुड़े समय रे आमर जो तीनोटी धारा अच्छे गोटे कर्णाटकी गोटे उत्तर भारत आमर ये तीनोटी जो विभाग को बा तीनोटी स्तर को लेकर गोटे मंच रे संगीत परिवेशन करा जाइछि बड़ बड़ विद्वान मान को डक आप देखु यहाँ हूँ उत्तर भारत संगीत पद्धति यहाँ हूँ कर्णाटक पद्धति आम गाचु ओडिसी आ भितर आपने कौन पार्थक्य देखते से अभिभूत होती जे आम ओडिसी संगीतर एक स्वतंत्र धारा रही थे जयदेव भवन में जो गवेषक मैंने आंडित मैंने आने कहले गंगा जमुनयोर मध्य आत्मगुप्ता सरस्वती उत्तर भारत दक्षिण भारत संगीत पद्धति भितर ओडिसी संगीतर धारा सरस्वती नदी पड़े गोटे कथा हूँ कहप गीत बोलिए श्रोता मान श्रोता मैंने वर्तमान लघु संगीत बस आग्रह प्रकाश कर बिल्कुल जो संगीत अर्थ से बुझीपर नाचे हसबे बुझे किंतु शास्त्रीय संगीत जोटाक ओडिसी सेमती ना से समय सापेक्ष जो मैंने ठीक मनस्थ हो शुणे अनुभव करेंगे जहाँ ठेना को राग लय प्रति थी दुर्बलता से बस उपभोग करेंगे बर्तमान देखते हैं ओडिसी नृत्य को कौ मैंने देखुंत कि भाव में देखुं समान खाली अंगभंगी चाला सब देखते कि ओडिसी नृत्य
जो मुद्रा गुड़क फुटि उठे आज्ञा ये फूल आसला ये वज्र आसला से नदी आसला अमुक आसला शंख चक्र गदा पद्म जो भाई भाव में फुटाती ऑडियंस बुझाती ना आज्ञा तेणु ऑडियंस देखणाहारी एक प्रकार प्रशिक्षण दरकार से बुझिक ठीक बोली ग्रहण करिबे एवं आनंद अनुभव करिबे किंतु सर एई ओडिसी नृत्य विदेश रे बहुत ना कमेची विदेशी जागा रे विदेशी माटी रे एई ओडिसी को अनेक विदेशी माने भल पाउछन्दी विदेशी भल पाउछन्दी कारण समानकर निरीक्षण पद्धति भिन्न समान देखछन्दी अंगशाळना किभली अति सुष्ठुतार सहित करा जाउची अति मधुर कोमलतार हमर होत लास्य एते कमनीयता एते लास्य भांगी जाऊ जोड़ी हो जाऊँगी ऊपर को उठी जाऊँगी तो विभिन्न डायमेंशन उपरे से नजर तेजरे ग्रहण कर प्राय आर्टिस्ट कलाकार तो जो मैंने प्रशंसा करशी नृत्यांगनार बाहर परिपाटी के देखते नहीं परिपाटी भितर को जिनस सब फुटी उठुचे से देखते भाव तबे सर आमे ओडिसा भाषा ओडिया भाषा कथा होतले ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइले ओडिया भाषा सहित आउ पांचटी भाषा मध्ये पाइछे तबे तांकठरो आमे भिन्न काही रही जाउछंती सेमानको क्षेत्र रे सेमाने कोन लाभवान हेछंती तांकर शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइबा परे एवं आमे काही कि पछर रही जाउछंती आमा भाषा पे नै लाभवान त आपण जदि दक्षिण भारत को जिबे एबे ओसे टिक्के परिवर्तन हलाणी मांद्राज रे के बेंगलोर रे के अन्य सब जगह गोटे बस को देखे आपर नहीं बसटा कुआडे जाऊ कहीं से हिंदी ना कि इंग्लीश ना भाषा दुकान बजार सब भाषा से विकल्प भाषा किसी ना से गोटे उग्र भाषा प्रीति दीर्घ दिन धरिक रहा जोबले पर्यटन क्षेत्र में असुविधा है अनुभव कले छोट अक्षर इंग्राजी टे लिखिले से हिंदी भल कि बुझी आमान सहित कथा बार हिंदी कहे हिंदी कहते ओडिशा को आसा प्रति घरे घरे इंग्राजी आग ना लिखाई थब निमंत्रण पत्र इंग्राजी लिखाई थब एवं आम कथबार्ता कला बेलू पांच मिनिट ओडिया परस्पर भितर कथापर ताकि इंग्राजी शब्द तो आउरी भी कष्ट लगे कि आम बेंगोली मान को देखू जो विभिन्न पर्यटन एरिया रे माने आमो आमो उड़िया भाई माने उड़िया भोनी माने से माने सहित तांको भाषा रे कथा वार्ता होती एहा कोन तांको भाषा प्रति भल पाइबा ना नहीं नहीं एटा आ उड़िया माने गले भी से तांको बेंगोली भलिया बेंगोली रे कथा हबे नले हिंदी रे कथा हबे नहीं ये गोटे प्रकार हिनमन्यता आगे थिला वर्तमान तार परिवर्तन घटिलानी आमो पिला दिने मोर गोटे कौतुक कथा थे मुझे कलिकतारू फेर ये फास्ट इयर कलेज पढ़ुता कलिकतारु फेर तो फेरलापर से बंगला कथबार्ता सब शुणी शुणिक मो कान ताब्दा हो जाए ट्रेन में बसिक आसला बेलू से समस्ते बंगला कथबार्ता होती जेमती खड़गपुर टपिला ट्रेन में बस लोक तक समस्त ओडिया ओडिया लोक बंगला कथा होतल परवर्ती रेल स्टेशन रे गाड़ी रहिला कौन मन है तो युवक वयस तल को ओल्ल आसिक मुठाए मटी धरिक मुंडे बोल दिली आहा मो मोर माँ देश को फेरी आस निज देश को फेरी आस तेणु अनुभव गुड़ कलिकतार जो मैंने प्रथम सब चाकरी बाकी करते बड़ चाकरी कर तेणु नाचुराली से सहित बंगला कथा होते ओडिया मान को बंगला शिखा अति सहज बंगाली मैंने आसामी आसामी मान ये सुंदर ओडिया कौन कि बेंगली मैंने प्राय ओडिया कह इच्छा प्रकाश करते पुरी देखा बेंगोली मैंने जितकी पर्यटक भाव में आम दोकानी भाई मैंने सहित बेंगोली कथ होती पारलाखेमुंडी एरिया को जाए देखुं तेलुगु कथिकार पर्यटक मैंने मानसिकता आम जब सड़ईकला बारिपदा एपट सैड देखा सेपटे बेंगोली कथ छत्तीसगढ़ी कथ आम ओडिशा को जो चारिपट परिसीमा रही परिसीमा समस्त अन्य भाषा को शीघ्र ग्राप कर आ गए विडम्बना ओडिशा हाराहारी 4 कोटी लोक रही
4 କୋଟିରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ବା ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ରହିଲେ ତେଣୁ କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଛାପୁଛୁ 1000 ବହିରୁ ବେଶୀ ଛପା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଅବଶ୍ୟ 2000, 3000, 5000 ଛପା ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ପବ୍ଲିଶରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ 500ରୁ 1000 ଭିତରେ ବହି ଛାପୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଛାପୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ କୋଶଳୀ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଏସବୁକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠକ ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ସେୟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଲଢ଼ି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ସବୁ ଦସ୍ତାବେଜ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ଓଡ଼ିଆରେ ହବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ଯେହେତୁ ପଢିପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ ସିଏ ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ସିଏ କୋଉଠି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବନି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପରାଇଟର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଟାଇପ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠିପତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁଯାକ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଇଂରାଜୀରେ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ 2-3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ନ ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ ଗଲା ତାକୁ ସେ ଦସ୍ତଖତ କଲେନି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖୁସିରେ ଲେଖିପାରିଲେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପରେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥୋପକଥନ କରିବା ଆଉ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି କରିବା ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଟିକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର ସେ ସକାଶେ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ ତିଆରି ହେଲା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମୟରୁ ତାର 2-3 ଥର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ କରାଗଲା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇକରି ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କମିଟିର ମୁଁ ଥିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ କଲୁ ସରଳ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇକି ତାକୁ କଲୁ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଲୁ ତ ସେଇଟା ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଛି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ ସେଠି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳେ କୋଉଠି ବିତିଥିଲା ମୋର ପିଲାବେଳେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୋର ଏବଂ ନାଇଁ ମୋର ଏତେ ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲି କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂଯମୀ ଥିଲେ ଆଉ ବିଳାସୀ ନଥିଲେ କି ବାଜେ ସ୍ତରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲି ମୋର ପିଲାଦିନ ସେହି ହିସାବରେ ଭାଷା ବି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା ହଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଲାଗେ କି ଭାଷାର ଏଇ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଟା ଭଲ ପାଇଁ ହଉଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକି ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ ଧରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳର ମା ମାନେ କ'ଣ ସାଧୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ମାନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାଷା ଚଳଣିରେ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଭାଷାବିତ୍ ଉର୍ଗେନଷ୍ଟାଇନ୍ ବୋଲି
से कहते वी डिस्कवर वर्ड्स टू कनसील आवर थॉट्स आम शब्द गुड़क एमती बाछी बुछी तैयारी करू जहाद्वारा कि आम भावनाटा संकुचित हो जाए गुप्त हो रहे तेणु जोटाक स्वतस्फूर्त भाव में बाहरी आसे जो भाषा गुड़िक बर्तमान आप देखिए अनेक लेखक लेखिका एडे सरल भाषा लिखुं आम आगर तो अच्छा फकीरमोहन आ गोपीनाथ महांती भाषा कौन सी क्लिष्टता रही बर्तमान से टाइप रही लिखुं कवितार स्वर मध्य कविता भितर आप देखिए सेमती आ कठिन शब्दर प्रयोग ना भंजंगर कविता भंजंगर कविता कविता कथा कहले कि सिनेमा गीत भी शुणुते जो सिनेमा गीत शुणुंट सिनेमार ना गुड़िक देखुं ओडिया सिनेमार ना गुड़िक हिंदी वर्ड्स आसीगला इंग्राजी शब्द आसीगला टाइटल गुड़िक से आप मन को कष्ट हुए ना हुए जेहेतु जो भाषा भी नहीं दुख लगे खाली से नुह आप कौन करें कि परदारे जो मैंने ओडिया शब्द किसी प्रयोग करती विज्ञापन मध्यम होम हो कहीं विकृत कर उच्चारण करती आम भुवनेश्वर कहीपर भुवनेश्वर कहब एवं कहला भितर ता हिंदी इंग्राजी पशी विकृत अंग भंगी प्रदर्शन कर भाषा को कौन से माने कौन बोले लक्ष्य कर भाषा एवं माँ यही समस्त हुए आम माँ को विकृत करसारू कहीं खाली गोटे मनोरंजन अन्य मान मनोरंजन करने कहू कि जानूना जे हे तो अल्प के जन मनोरंजन ग्रहण करुवे किंतु जो मैंने प्रकृत गुणी से घृणा कर तापरे जो भाषा सहित लगावटी पिला बेलू आप हाँ पिला बेलू थिला मोर एक विचित्र जीवन विचित्र थिला कौन ना मु स्कूल रे प्राय पढ़ी रही स्कूल रे प्राय पढ़ी ना हाँ मोर पाठ पढ़ा आरंभ हला चाटशाली रु आपण तो कहले आपण बहुत श्रृंखलित सब जिंस ठीक हां नहीं से समय से सुविधा नथिला तो चाटशाली रे पाठ पढ़ा आरंभ हला तापरे देखला को गोटे मामूर गाँव जा तृतीय श्रेणी ना लिखिली चारशाणी तृतीय श्रेणी तापरे माइनर चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम प्राय पढ़िली अष्टम श्रेणी की आसला बेलू अष्टम श्रेणी पास कला मो माँ जेजे माँ डेथ है मुझे मरीगले मुझे जेजेपा पाखे रोते शरीर असुस्थ है से जने सिद्ध पुरुष पंडित ज्योतिर्विद तेणु समस्त स्थिर करे जे जेजेपा सेवा मत करने पड़ो तेणु अष्टम श्रेणी पर मोर पाठपढ़ा बंद है मुझे सेवा करी से सुस्थ हेले समाज कहला जे पंडित तो ये बड़ ज्ञानी लोक गुणी लोक से चलीजे तेणु विद्या नाती टे दिंतु तेणु से मत संस्कृत ज्योतिष कर्मकांड अमुक शौक से विषय शिक्षा देवा आग्रह टिकट प्रकाश कले तो मुझे मजीगली तापर जो से किटा मुझे जान ली एवं देह भल है पुणी समाज उल्टिला तो देख पंडित नातीटा को मूर्ख करदे मैट्रिक पास कर मत कह नाई तू मैट्रिक परीक्षा दे तो मु मात्र तीन मास घरे परिश्रम कर मैट्रिक परीक्षा दे मोर मन अच्छे आ बर्षे देढ़ वर्ष चलीगला नवम पढ़ी नहीं दशम पढ़ी नहीं एकादश पढ़ी नहीं किंतु तीनोटी मास परिश्रम कर मैट्रिक परीक्षा देली एवं आशीर्वाद प्रथम श्रेणी जो तो पास कली से आग्रह प्रकाश कर तू जा कलेज पढ़ू तेना से समय कलेज कह पाखे किसी ना रेवेन्सा कलेज एकम्र जो सी रेवेन्सा कलेज ना लेखे चार वर्ष पढ़ी बीए पास कली आश्चर्य मुझे समय संस्कृत अनर्स नहीं मुझे पास कली से संस्कृत अनर्स नहीं पास कली प्रथम श्रेणी रे प्रथम होकर संस्कृत एम ए करार कथा
किंतु घटना एमती गोटे घटला जो थे कि मुझे संस्कृत पढ़ाक चाहिए ना मुझे इंग्राजी पढ़ापे इंग्राजी पढ़ाक दरखास्त देखू से मत उत्साह कले तो संस्कृत आश्चर्य इंग्राजी पशु पार्वनि मोर जिदि बढ़ला निश्चय पारि तेनालीर इंग्राजी ना लिखे पिजी एवं से सम्मान सहित पाई सरकारी चाकरी कली एवं दीर्घ दिन धरिकी विभिन्न कलेज सरकारी कलेज रही सारापर चाकरी काल शेष पर्यायर सरकार चाहिए जे मु सूचना और लोक संपर्क विभाग को आसबि तेनाली ओडिशा रिव्यू बोली गोटे इंग्राजी पत्रिका मासिक बाहर था तार मुख्य संपादक भाव में मु 8-9 वर्ष काम कर अवसर नी तो सारा पुरस्कार सहित सम्मानित सारा पुरस्कार सहित विभिन्न समय एक कंट्रोवर्सी भितर आसे सारा पुरस्कार ताको नै कि बहुत गुडा कंट्रोवर्सी आसे प्रकृत रे सारा पुरस्कार नहीं सेमति विवाद सृष्टि हे नाही क्वचित क्वचित जो माने पाद दिने से माने ता विरुद्ध रे कुहंती एवं प्राय 8-10 वर्ष से संस्था सहित संश्लिष्ट रही मोर निजर अभिज्ञता जा किए क्या कहीक पुरस्कार हाताए ना कहीं अन्य 7 जन सदस्य था सभापति एवं संपादक को मिसेक 7 जन सदस्य था भितर अध्यापना करुवा गवेषक माने था किए कवि किए गाल्पिक किए समीक्षक तो ये माने कौन हुए ना आम प्राय ओडिशार 300-400 लेखक को समीक्षक को चिट्ठी द्वारा जनाऊ ये आपण माने पढ़ी 10 वर्ष भितर भल बही ना आप दिंतु आहाक भल बही बोली भावुंत विषय दीपद लिखिकी आमको जन आम खुशी हूँ तो यहाँ गोटे प्रकार एकाठी करिबार जोड़ीबार गोटे प्रयास से प्राय अर्धाधिक लोक उत्तर दिखते प्राय 200 खंडे आम प्रति वर्ष पाऊ से पुस्तक ना दिखते पुस्तक विषय निजर अभिमत दिखते ताकू एकाठी कर देखा जाए जे कौ पुस्तक उपरे सर्वाधिक मत रही ताकू गोटे प्रकार रखा जाए तापर जदि से छाड़ जाइए सदस्य मानकर अनुभव हुए ताकू रखा जाए एमती करी करी 7-8 10 बही शेष पर्याय को आसे आसी सारापर तार जो गुड़ाक अलग जिनस ठीक समय मसीहा भितर छपाही कि नहीं एगुड़क सब भलके देखा जाए लेकिन सदस्य मानक 2-3 मास समय दि जाए बहित प्रत्येक सदस्य को दि जाए आप पढ़े भलक परीक्षा निरीक्षा करेंगे एवं मार्क देवे एवं कहीं भल बोली आमको जन तो 7 जन को दे सारापर जो एकाठी बस समस्त मत को नहीं पूरा टैबुलेशन आरंभ हुए काले किए एकपाखिया हो जाए से दृष्टि रखा जाए जो सन्देह हुए पचरा जाए ये बहरे कौन भूल अच्छे कौन एथर ठीक अच्छे एवं विश्व साहित्य को ये किभली भाव आर अवदान रही तो युड़क सब आलोचना करके करा जाए तो एथरे जदि किए कह प्रश्न मोर पचारे कवि मानते कविता और गल्प को जिते दूर लोकाद्रुत मिली ओडिशा रे प्रबंध को सेते लोकाद्रुत मिली पारुनी जेहेतु आप प्रबंध साहित्य जो स्रष्टा और प्रबंध साहित्य सहित अंगांगी भाव जड़ित तेज या सब कही सर्वभारतीय स्तर से आम साहित्य जोड़िए विभाग बर्तमान उच्च श्रेष्ठ स्थान गोटे आधुनिक कविता आ गोटे क्षुद्र गल्प उपन्यास समकक्ष ना प्रबंध जो मैंने प्रबंध लेखती प्रबंध निजर
स्वकीय मत दबा टिके जटिल कहीं शुद्ध बहु पाठिता न थिले हाँ बंगला साहित्य पढ़ी थो हिंदी साहित्य पढ़ी थो यूरोपियन साहित्य पढ़ी थो इंग्राजी साहित्य पढ़ी थो ताले से प्रबंध गोटे आसमी ओडिशा एते नहीं तेबे भी जे प्रबंध पाठक कम प्रबंध पाठक कम किंतु भल प्रबंध लेखा हमारे सब अच्छा ना तो ये व्यक्तिगत भाव में कहबिन किंतु अन्न दस जन प्रबंधक अच्छा जो मान प्रबंध निश्चित भाव उच्चकोटीर निश्चित सर आज भावी आज कार्यक्रम भी बहुत उच्चकोटीर रही आपको आम पाई बहुत धन्य हो सर आपर बहुमूल्य समय दे न्यूज सेवेन परिवार तरफ बहुत मुझे धन्यवाद दूसरी क्या बर्षियान व्यक्ति को आपने कहते आप जोड़ा कम कथ नुह धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर।